आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बुधवार को प्रेक्षागृह में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक, तत्पश्चात वाराणसी के लिए होंगे रवाना। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद कर की उनकी हौसला अफजाई। रीजनल स्टेडियम के खिलाड़ियों ने भी बातचीत का देखा सीधा प्रसारण। पीएम ने कहा, अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं, खुलकर खेलें और करें जीत हासिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर क्लब में नगर निगम के 62.03 करोड़ रुपए की लागत की 237 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 11 लाभार्थियों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है विकास, स्वच्छता पर दे विशेष ध्यान। अशुद्ध पेयजल एवं गंदगी मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारियों को देती है जन्म, बरते सावधानी। 1 जुलाई को महिला के साथ हुई लूट का गोरखनाथ पुलिस ने किया खुलासा। लूट के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने नए सत्र के टाइम टेबल की समीक्षा। पढ़ाई और परीक्षा में सुचिता बनाए रखने के दिए निर्देश। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले 3 व्यक्तियों को एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने किया सम्मानित, की हौसला अफजाई। कहा, समाज की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे ईमानदार प्रवृत्ति के नागरिक। सीएम योगी पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बयान का उल्लेख करते हुए नगर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है अनुकरणीय। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के सम्मान समारोह का विकास भवन के सभागार में किया गया आयोजन। एडी बेसिक और बीएससी ने विद्यार्थियों को शील्ड व पुरस्कार देकर किया सम्मानित। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,328। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 58 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में विभिन्न टैक्स वसूली के विरोध में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा को सौंपा ज्ञापन, टैक्स को हटाने की मांग। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। तोड़ी भट्टियां, 90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 9000 किलो लहन किया नष्ट। 3 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 58 केंद्रों पर 16,725 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार को सांप निकलने से मची अफरा तफरी। अधिवक्ता और लोगों के सहयोग से सांप को भगाया गया परिसर के बाहर, नहीं हुआ कोई नुकसान। और शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू मंगलवार को भी रहा लागू। सड़कों पर मिला जुला दिखा नाइट कर्फ्यू का असर।